फसल से आना धन बोंजा तिरवंजा भी शुरू किया है। दातियां बनाने खुरपे बनाने हल्ला बनाने तो जिम्मेदार काम जरा सारा कुछ करेगा। मैं पाकिस्तान बनने से पहले आया वो दादाबू काम करते थे, उसके बाद जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ फिर हमारे अब्बू हैं जो उन्होंने ये काम शुरू किया, उसके बाद अभी वो बूढ़े हो गए हैं और उसके बाद अभी मैं जो है 10 साल हो गए हैं, 9 साल ये मैं काम जो है नो स्टार्ट किया मैंने। ये 4 फुटर एक काम ये औखा है, औखा काम आजकल कोई भी नहीं करता। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है तो ऐसे ऐसे मशीनरी का दौर तेज़ी से आता जा रहा है, हाथ से काम करने वाले लोग नायाब नहीं बल्कि कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसे लोहार से जिसकी 3 नस्लें 108 साल से इसी काम में लगी हुई हैं, हाथ से औजार बनाते हैं, और आज हम आपको दिखाएंगे 50 साल पुराने इंसानी हाथों से बने हुए औजार जिनके ज़रिए ये सारा काम अब से 40 साल पहले ये लोग किया करते थे। आइए चलिए मेरे साथ। इनसे मिली ये हैं सलामत अली, ये तीसरी नस्ल है नाजरीन जो कि लोहार का काम कर रही है कि ये दातरियां बेलचे इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं किसानों वाली उन सब को आग की हिद्दत में तपा कर बनाना, इन्हीं से जानेंगे ये तीसरी नस्ल है कि ये इस काम में आई, इस काम का आगे कितना स्कोप है, कौन कौन इनका बड़ा जो है वो ये काम करता रहा। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस काम की इब्तदा जो आपके इलम में वो कब से है? ये हमारे दादाबू के साथ के कस से है। पाकिस्तान बनने से पहले आया वो दादाबू काम करते थे, उसके बाद जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ फिर हमारे अब्बू हैं जो उन्होंने ये काम शुरू किया, उसके बाद अभी वो बूढ़े हो गए हैं और उसके बाद अभी मैं जो है 10 साल हो गए हैं, 9 साल ये मैं काम जो है नो स्टार्ट किया मैंने। बड़े भाई हैं वो अपना अपना काम करते हैं, कोई मोटरसाइकिल का काम करता है, उसकी अपनी शॉप है, एक की वेल्डिंग की शॉप है, और जो है मैं ये अबू वाला काम मुझे पसंद था, मेरा शुरू से दिल था कि मैं ये काम करूं और इस काम को लेके आगे चलूं, और इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। मेरा फसल से आना धन बोंजा तिरवंजा भी शुरू किया है। तो तुम्हारे वालिद साहब भी यही काम करते थे? यही काम कर रहे। उन्होंने कितना अरसा हो गया इसी काम करते हैं? उन्होंने भी यही उम्र हो गई जो फौत हो गए, यो काम करते हैं। पाकिस्तान बन तो पहले पढ़ रहे हुए बोंजा तिरवंजा जो काम शुरू किया, ये दातियां बनाने खुरपे बनाने हल्ला बनाने तो जिम्मेदार काम जरा सारा कुछ करेगा। मैं अज बाद ऐसे ऐसे ने सीखे दूजे ने, कोई बाहर टुट गए, कोई वेल्डिंग का कर दे, कोई मोटरसाइकिल का कर दे। ये 4 पुत्र ने इसनों काम कर दिया, 7-8 साल तो हो गए नहीं, इस बार का बहुत घट सकते हैं, बहुत घट सकते हैं, क्योंकि ये काम औखा है। औखे काम तो अज कर रहे, अज मशीनरी काम हो गया सारा। मैं चीज़ें जड़िया ने सारिया अपने हाथ ने बना रहा, तो हूँ मतलब अभी हिंदी नस्ल जी मशीनरी होकर बड़िया बनाई लिया, मतलब ये काम जरा औखा है, औखा काम अजकल कोई भी नहीं करता। 47-48 साल मझा रखनी दुध पीने लस्सी पीते रहे क्यों देखे। इसमें बंदा फिट भी रहता है? सारी बहुत फिट रहता है जी, गर्म करके इसको गर्म करें और उसके बाद उसके उदान के साथ इसको सही करना हो, उसके बाद इसको बनाना चीज़ बनाना ये काम होता है इसका। जो लोहे का काम है ना, इसमें गर्म करके उसको दातरी बनाना, खुरपा बनाना और ऐसे लेके आते हैं उसको। बाबा जी ये कितने साल पुराना है? आपके बुजुर्ग माशाल्लाह उन्होंने 50-50 साल से वो वर्मे अपने संभाले हुए हैं, क्या समझते हैं कि इनकी कितनी अहमियत है और इस जदीद दौर में? इनकी अहमियत तो बहुत है अभी, लेकिन असल में बिजली जो है ना ये ख़त्म होगी, बिजली का काम जो है ना जब बिजली बंद हो जाए तो ये काम ठप हो जाता है। अच्छा। इसलिए ये हमने इसीलिए संभाल के रखे हैं, जब बिजली बंद हो जाए और इसके साथ कोई बेलचे को दस्ता डालना पड़े और इसका सुराख कर लेते हैं, खुरपे को दस्ता डालना पड़े और इसको मेरा मतलब खुरपे का सुराख। पहले जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन मोहताजी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बात पक्की, ये बिल्कुल ये पक्की बात है।
और जो है ना इसने मुताज इसलिए नहीं थे कि हर काम जो है वो हाथ से था, बिजली का कोई मेरा मतलब कोई वजूद नहीं था, इसलिए हर काम हाथ से करना पड़ता था। और अभी जो है ना वो हर काम बिजली पे हो गया है। अच्छा, कोई भी काम है वो बिजली पे हो। इनकी संभाली हुई 50-50 साल पुरानी चीज़ें आपको क्या आज के जदीद दौर में फ़ायदा दे रही हैं? फ़ायदा दे रही हैं। अभी जो है जिस वक्त बिजली बंद हो जाए तो फिर तो ड्रिल मशीन नहीं चलती और सुराख इसी से करते हैं हम। ये जो है इसीलिए ये इस्तेमाल है, इसको ख़त्म नहीं किया अभी, क्योंकि हमारे ये बड़े काम आती हैं चीज़ें। और ये भट्टी के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बिजली बंद हो जाए तो अच्छा। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हवा का पंखा जो है। अच्छा। और इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, इसे हमारे जो अपने अज़ा हैं वो ठीक रहते हैं। और इसके कोई मुताजी नहीं है बिजली की, क्योंकि बिजली आएगी बटन ऑन करेंगे बैठ जाएंगे वो गर्म होता रहेगा, इसके साथ हाथ से करेंगे। ये पहले बड़ा था, अभी जो हमने छोटा फिटनेस भी रहती है। जी बिल्कुल फिटनेस में रहती है। अच्छा, रात को नींद कैसी आती है जब सारा दिन लोहे के साथ आप वो जोर जमाई करके जाते हैं बिस्तर पे? नींद तो आती है, नींद तो आ जाती है ना। जी बिल्कुल सुकून की नींद आती है, जिसम तो थकता है लेकिन जो है ना सुकून की नींद आ। तीसरी नस्ल है, आपके भी तीन भाई इस फील्ड में नहीं आए, आगे आपके बच्चे जो हैं वो क्या इस फील्ड में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये काम हमारा ख़त्म हो गया अभी, क्योंकि पहले ये काम होता था कि इसका बहुत ज़्यादा काम था, सारा दिन लोहार की दुकान पे रश लगा रहता था। लेकिन अभी जो लाइन लगा के अभी काम ख़त्म हो रहा है, अभी तो सिर्फ जो रेडीमेड काम आ रहा है वही चल रहा है बस। और इसलिए ये जो ना रिपेयरिंग का, जी रिपेयरिंग का जो है ये दात्री खुरपा बस यही रिपेयरिंग है, या छैनी यही रिपेयरिंग रहेगी, इसके अलावा और कोई रिपेयरिंग नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में तो हर मेरा मतलब हर चीज़ जो है वो हाथ से बनाई जाती थी, इसलिए अभी ये हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है आप इस 108 साल की जो ये आपका एक लोहार का काम है उसमें शायद ये आप अपने खानदान में आखिरी बन गए? जी बस ये मेरे, वैसे तो मेरे कज़न भी हैं वो भी करते हैं, कोटला शहर में वो भी करते हैं। ठीक है। और न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूं। जी वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का। और आँखें भी नहीं हो रही? नहीं आते, वो रातें भी नहीं रही, वो काम भी नहीं रहा, इसलिए जो काम पे डिपेंड करता था, काम ही नहीं है तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है। ज्यादा जो आज का जो है मतलब मशीनरी काम करते हैं ना, ऐसे थोड़े हूँ काम करते हैं। कितना साल हो गए थोड़े? इन्ना थोड़े नाल दूजे बंदे बैठे, दूजे बंदे तू मारते हैं मारते, असं ये फाटा होंगे ये मतलब अजकल ये है कौन नहीं। सारा काम करता रहा भी करता रहा। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। नाज़रीन ये थे सलामत अली जो कि ये तीसरी नस्ल में से हैं, और इनका कहना ये है अब हमारे बाद जो हमारी आगे न्यू जनरेशन है वो इस काम के करीब भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेहनत वाला भी काम है और रेडीमेड मशीनरी का दौर आ गया है, तो अब इसका कोई इतना खास फ्यूचर नहीं है। यकीनन ये हमारी रवायात हैं, ये हमारी सकाफत है, तो ये लोग भी मजबूत थे, ये सच्चे लोग थे, ये खाद की मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले, लोहे के साथ अपने जोर जमाई करके अपना रिजक कमाने वाले लोग थे। लेकिन अब न्यू जनरेशन इससे दूर होती जा रही है। ये थी आज की स्टोरी। अपने मेजबान इरफान अदरीस को दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज अलर्ट गुजरात। दाने साफ कर दे लो, लोहे दी बनी है लकड़ियाँ बनाते रहे, पबी लिया के ना एडी एडी मोटी लकड़ियाँ उन्होंने सुत्ता बना के उन्होंने त्रिंगल बनाने। त्रिंगल त्रिंगल ये मतलब धड़ा जाते मतलब उस मतलब पो जाता जो दाने करने दाने फिर ए करने बड़े लैके जाते बड़े कणक गांधे होंगे लोग तो इन्होंने कणक कट्ठिया करते इन्होंने वाले।